देखिए आज हम लोग क्या देखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। सम टाइम्स एक्स एंड वाई बी कम अक्रॉस फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू फाइव टी, एक्स इज इक्वल टू फाइव टी, एक्स इज ए फंक्शन इन टी वेरिएबल एंड वाई इज ए फंक्शन आल्सो टी वेरिएबल, मतलब एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शन ऑफ टी वेरिएबल, ये दोनों जो हैं सिंगल वेरिएबल के हैं। तो एक्स और वाई को क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे एक्स क्या है, एक्स इज ए फंक्शन इन टी वेरिएबल, वाई इज ए फंक्शन इन टी वेरिएबल, तो एक्स और वाई जो दोनों फंक्शन हैं इसको बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। और यहाँ पे जो टी है, टी इज कॉल्ड पैरामीटर, टी को बोलेंगे पैरामीटर। एक्स एंड वाई कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन, एक्स और वाई को पैरामीट्रिक फंक्शन कहेंगे और टी को बोलेंगे पैरामीटर। अब एक्स फंक्शन एंड वाई फंक्शन आर गिवेन, हमको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो क्योंकि अगर हम इसको एक्स फंक्शन इज गिवन इन टी वेरिएबल, तो हमको इस फंक्शन को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जिस वेरिएबल में कोई फंक्शन जिस वेरिएबल में गिवन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी तक क्या देखते थे, अभी तक देखते थे कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, यानी वाई इज अ फंक्शन गिवन इन एक्स वेरिएबल, तो हम डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो ये फंक्शन लिखा हुआ है एक्स, अब एक्स को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो किस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी। वाई फंक्शन है, वाई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, हमको ये फाइंड आउट करना है, और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको टी के रेस्पेक्ट में। तो कैसे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखा जाए, जैसे ये लिखा हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स वी कैन राइट इट डी वाई अपॉन डी टी और होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि x एंड y फंक्शन आर गिवन इन द क्वेश्चन, इसको हम जिस वेरिएबल में गिवन होगा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जैसे अगर वो सपोज थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा वेरिएबल में गिवन है, x फंक्शन थीटा के वेरिएबल में गिवन है, तो हम dx अपॉन d थीटा फाइंड आउट करेंगे, dx अपॉन d थीटा फाइंड आउट करेंगे। y फंक्शन इज गिवन इन थीटा वेरिएबल, तो हम उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। अगर वो थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा वेरिएबल में गिवन है तो, अगर वो टी वेरिएबल में गिवन होगा तो डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो बस यही आपका, दिस इज़ अ मेजर फार्मूला, यही सबसे बड़ा फार्मूला है पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए। और यहाँ पे ये चेंज होगा, अगर वो जिस वेरिएबल में गिवन होगा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा हमको। जैसे लिखा है कि एक्सरसाइज 11.7
11.7 क्वेश्चन 1। सबसे पहले 1 को ही देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 2at। तो x एंड y आर टू फंक्शन इन t वेरिएबल। x और y जो है ये दो फंक्शन हैं और ये किस वेरिएबल में गिवन है, t वेरिएबल में। तो अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a टू कांस्टेंट, तो a और इनटू t स्क्वायर इज 2t। अब क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का 1 हो जाएगा। तो dy वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a और t का डिफ्रेंसिएसन 1 है ना, t का डिफ्रेंसिएसन 1, ठीक है, इंटू 1। अब मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो लिखें dy बाई dx इज इक्वल टू dy वाई अपॉन डी टी और होल अपन डी एक्स अपन डी टी। वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो इज इक्वल टू डी वाई अपन डी टी इज 2a और अपन डी एक्स अपन डी टी इज 2at। तो इज इक्वल टू हो गया 2a से 2a कैंसिल, तो 1 अपन टी, दिस इज डी वाई अपन डी एक्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो बहुत सिंपल है, पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत ही सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, यहाँ पे x केवल इरेज हुआ है, एक मिनट यहाँ पे dy बाई डी एक्स बस हो गया, इरेज करें। कुछ आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं। ये लिखा है कि x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स अपन डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा इज 1 और प्लस कॉस थीटा। डी वाई अपन डी थीटा इज इक्वल टू ए, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस प्लस साइन थीटा। तो इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा और होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इज इक्वल टू ये वैल्यू लिखा हुआ है ए साइन थीटा और होल अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें। देखिए ये लिखा हुआ है ए से ए कैंसिल हो गया और साइन थीटा लिखा हुआ है 2 साइन थीटा अपॉन 2 और इनटू कॉस थीटा अपॉन 2 और ये लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे कॉस होता है, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल और एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आ गया कितना, टेन थीटा अपॉन 2। दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो सिंपल, वेरी सिंपल, टेक स्क्रीनशॉट। हम्म,
साइन प्लस कहाँ पे ये है ना, है ना, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, बोलिए। ये इसका फोटो ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। क्वेश्चन बोलिए। एक्स इज इक्वल टू ई पावर थीटा, टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू ई पावर थीटा, यस ओके। देखिए एक्स एंड वाई आर फंक्शन इन थीटा वेरिएबल, तो वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपन डी थीटा, ए कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट सेकंड फंक्शन, तो ए तो अलग हो जाएगा इस फर्स्ट फंक्शन ई पावर थीटा और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन का कॉस और प्लस साइन थीटा और इन प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई पावर थीटा, तो इज इक्वल टू ए ई मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट ई पावर थीटा, हाँ ये कॉमन ले लेते हैं, तो ई पावर थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, टू कॉस, टू साइन थीटा cos, हाँ cos cos कैंसिल होगा, ठीक है, टू साइन थीटा और बस इसको एक बार और थोड़ा सा लिख देते हैं, टू ए ई पावर थीटा साइन थीटा, दिस इज डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए और e पावर थीटा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन का कॉस और माइनस साइन थीटा और प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो e पावर थीटा अगेन कॉमन, तो a e पावर थीटा कॉमन और आप देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये टू कॉस थीटा, तो ये लिखा है टू ए ई पावर थीटा कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा और होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो इस इक्वल टू ये लिखा हुआ है टू ए ई पावर थीटा कॉस थीटा और अपन टू ए ई पावर थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इज कॉट थीटा, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वन क्वेश्चन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन इज कंपल्सरी इन योर बोर्ड क्वेश्चन पेपर, पैरामेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ये लिखा है x इज इक्वल टू ई पावर टी और प्लस ई पावर माइनस टी और अपान 2 एंड y इज इक्वल टू ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी और अपान 2. बोथ फंक्शंस आर गिवन इन टी वेरिएबल, तो वी डिफरेंशिएट इट, तो dx अपान dt इज इक्वल टू 1/2 इज कॉन्स्टेंट, तो e पावर t इज e पावर t और प्लस e पावर माइनस t इंटू माइनस 1 तो इज इक्वल टू 1/2 e पावर t और माइनस e पावर माइनस t. डिफरेंशिएट y फंक्शन, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट, ये अलग होगा तो e पावर t और आप समझ सकते हैं ये प्लस होगा, e पावर माइनस t होगा. तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt और होल अपॉन dx अपॉन dt तो इज इक्वल टू ये वैल्यू 1/2 e पावर t और प्लस e पावर माइनस t और अपॉन 1/2 e पावर t और माइनस ई पावर माइनस टी, ये कैंसिल हो गया. अब जैसा आंसर आ रहा है वैसा बताइए, उसी हिसाब से हम लिख देते हैं. इज इक्वल टू ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी और अपान ई पावर टी और माइनस ई पावर माइनस टी. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. देखिए तो हम क्या करेंगे कि इसको ये लिखा हुआ है x को y से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे इसको एलिमिनेट किया जाए. हाँ तो x अपान y तो x लिखा हुआ है e पावर t और प्लस e पावर माइनस टी अपान 2 और होल अपान e पावर t और माइनस e पावर माइनस टी अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया e पावर t और प्लस e पावर माइनस t और अपान e पावर t माइनस e पावर माइनस t. दिस इज x अपान y, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. दिस इज x अपान y dy अपान dx. ठीक है हो गया. हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना. As you wish, आप जैसा कहें वैसा लिख देंगे हम. अरे कोई चलिए नेक्स्ट बताइए. क्वेश्चन नंबर 12, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√1t² और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1t² ठीक, और t belongs to r ठीक है. तो एक ऑप्शन है कि आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए कि t के रिस्पेक्ट में, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको चेंज कर लीजिए, है ना. दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया जाए. तो जहाँ तक मेरा समझ में ये आ रहा है कि पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं. हाँ तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है t, है ना, यहाँ पे तो x इज इक्वल टू लिखा है cos इनवर्स
वन अपान अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर। तो लेट टी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स वन अपान अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इज इक्वल टू कास इनवर्स और ये वन अपान क्या होगा सेक थीटा। तो इज इक्वल टू कास इनवर्स, ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो फिर ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा आ गया, और थीटा का मतलब टेन इनवर्स टी है ना, टेन इनवर्स टी लिखा हुआ है, दिस इज एक्स। ऐसे सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये लिखा हुआ है वाई, इसमें लेट करें कि लेट टी इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपान अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये वन अपान कोसेक थीटा और इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये साइन थीटा। तो इज इक्वल टू हो गया थीटा और ये लिखा है कॉट इनवर्स टी, ये वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल इसको सिंप्लीफाई किया है। अब आप यहाँ से डिफरेंशिएट करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू होगा वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपान डी टी और डी एक्स अपान डी टी तो इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिखा है माइनस वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर और अपान वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर, बोथ आर कैंसिल लेफ्ट माइनस वन। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, राइट।